यार। ओए, काम नहीं होता तेरे से ढंग से, क्या कर रही है तू ये? पिछले एक घंटे से इधर ही पोछा मार रही है, और भी काम पड़े हैं घर में, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला। खाने में तो तेरे हाथ बहुत चलते हैं, और काम करने के टाइम में ऐसा लगता है जैसे बीमार हो गई हो। भाभी कर तो रही हूँ। जबान मत चला, वरना एक थप्पड़ और मारूंगी खिंचा के। औकात भूल गई क्या अपनी? तेरा भाई नहीं है इधर? बेबी एक बार खड़े होकर बैठो। नहीं नहीं मैं कर रही हूँ, मैं अच्छे से कर लूंगी। मैं भी देखती हूँ कितने अच्छे से करती है। ऐसे काम करते हैं, हाँ ऐसे काम करते हैं, ये अच्छे से कर रही है। अगर मैंने कपड़ा झाड़ दिया ना, तेरा मुंह भी काला हो जाएगा, इतनी मिट्टी उस कपड़े में। उस कपड़े से तू मेरी टेबल गंदी कर रही है, ना कि उसे साफ कर रही है। अबे क्या प्रॉब्लम है तुझे? नींद खराब कर दी, चैन नहीं है क्या तुझे? एक बार जो बोला वो कर लिया करना टाइम से। हाय बेबी आप शांत हो जाओ, इस जैसी गवार से ना मुझे निपटना बहुत अच्छे से आता है। पिछले 4 महीने से इसे जो झेल रही हूँ मैं, इसका भाई नल्ला निठुल्ला पड़ा रहता है बॉर्डर पे, उसे तो कोई फिक्र ही नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे इससे कुछ लेना देना भी नहीं है, तुम जो हो मेरे पास, लेकिन इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। एक काम करो, इसको ना कहीं बाहर रेंट पे किराए पे रूम दिला दो। भाभी आप गलत कर रही हो। तू मुझे बताएगी? खड़े हो तू मुझे सिखाएगी? हाँ औकात है तेरी मेरे सामने बोलेगी? भाभी छोड़ो। भाभी लग रही है तुम जैसे लोगों को लगनी चाहिए, वरना तुम जैसे लोग तो अपनी औकात भूल जाते। चल काम कर ले अपना। अबे बोझ है तू इस घर पे, निकल जाना घर से यार, इतनी बेइज्जती करवा रही है अपनी। ये कौन है? भाभी ये मेरा भी तो घर है, और अगर भैया को पता चला आप उनके पेट पे ये सब करती है तो उन पे क्या बीतेगी? वो दिन रात एक करके हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये ज्ञान क्यों दे रही? इसको बोल अपनी चोंच पे लगाम दे। हाँ क्या गलत? अगर भैया को पता चला आप इनके साथ हो तो उन पे क्या बीतेगी? तू बताएगी भैया को कि मेरा बॉयफ्रेंड है? अगर तू बता भी देगी ना तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे तेरे भैया से मुझे लेना देना है ही क्या? अगर मुझे उससे कुछ होता ना तो आज मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता। अरे वैसे भी वो निठुल्ला, उससे तो मुझे कुछ लेना देना है ही नहीं, बॉर्डर पर पड़ा रहता है। जब उससे मेरी फिक्र नहीं तो मुझे क्यों उसकी फिक्र होगी? तुम ही बताओ। भाभी आप बहुत गलत कर रही हो। अच्छा अब तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की मुझे बताएगी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ? रहा नहीं चाहता क्या तुमसे? हाँ तुम्हें इज्जत से रख रही हूँ, रोटी दे रही हूँ खाने के लिए, वो तुमसे हजम नहीं होती। काम कर लो चुपचाप अपना। तुम बेचारी के मार रही है, कल को कुछ हो जाएगा अपने पे नाम आ जाएगा। अरे मरे तो मर जाए, मैं तो चाहती हूँ इस, क्या ही बताऊँ इसे ना, मैं अपने घर में एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। और हाँ आने वाले टाइम में ना इस घर के साथ साथ सब कुछ लेके हम यहाँ से रफा दफा हो जाएंगे, ठीक है? ये भैया के साथ हम लोग गलत कर, तेरी तो शादी करा के रहूंगी, बहुत आराम की जिंदगी जी ली तूने, लेकिन मैं तुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा मत करिए, मैं भैया को कुछ नहीं बोलूंगी, प्लीज आप ऐसा मत। पक्का नहीं बोलेगी? अगर बोला ना तेरी गंदी जवान जला देंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसके औकात है ये मेरे बारे में बोलेगी? वो भी दो बड़ी के इंसान से, उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। काम कर ले वरना एक थप्पड़ घिंचा के और मारूंगी। अरे बैठ ना, समझ नहीं आ रहा? बोल रही हूँ ना काम कर, काम में हाथ नहीं चलते तेरे, इधर उधर ध्यान ज्यादा रहता है, कब कौन क्या कर रहा है। अरे पड़ोस में क्या चल रहा है, मेरी भाभी आज क्या कर रही है, सारा ध्यान इसका इन्हीं कामों में रहता है, घर के कामों तो इसका ध्यान लगता ही नहीं है। रिलैक्स अभी मैं कहाँ कुछ करती हूँ, मैं तो दिन भर घर का काम ही करती हूँ। तुझे नहीं लगता? तू औकात से बाहर बोल रही है? ये जो तेरा गोरा गोरा मुंह है ना, पीस पीस की चटनी बना दूंगी इसकी, समझी? चल काम कर, मैं इसी मुंह से साफ करूंगी ये टेबल। कॉल किसकी आ रही है अब? सारा दिन तो मुझे कॉल आती रहती है किसी ने। हेलो हेलो नेहा, तुम ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, मेरी बहन से बात कराओ ना मेरी। वो है नहीं यहाँ पे, शायद कुछ काम कर रही है किचन में। किचन में खाना खा रही है? तो उससे बात करवा देना जब तुम्हें ठीक लगे। अरे अब भी करा देती हूँ, एक सेकंड बुलाती हूँ मैं उसे। सुन तेरे भाई की कॉल आई है, तुझसे बात करने की बोल रहे हैं, ज्यादा चून चपाटा किया ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? चल बात कर, ये ले। हेलो बहन। हाँ भैया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। अगर कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भैया कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है बाद में बात करती हूँ। भैया का कॉल आते ही ज्यादा सर पे नहीं चढ़ गई? बोल कैसी रही है? ताकि उसे सब हो जाए? हाँ जानबूझ के लड़की मुझे फंसाना चाहती है, और नहीं। कुछ भी नहीं नालायक, चल निकल यहाँ से, जाके कुछ और काम कर, तेरी शक्ल बर्दाश्त कर, कितने बेइज्जती मैंने ये, चल और निकल यहाँ से। क्या कर रही हो तुम? सीमेंट
हसीन तुम, अच्छा वो तुम आ गई। देखा ना कितनी बदतमीज है ये तुम्हारी बहन, लड़ रही है मुझसे, इसने मुझ पे हाथ भी उठाया। नहीं भैया, पिछले 3 मिनट से ना मैं यही देख रहा हूँ कि किसने किस पे हाथ उठाया, कौन बदतमीज है। नेहा तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही? अरे मेरी बहन पे हाथ उठाया तुमने, तू मत बोल बीच में, ये हमारा फैमिली मैटर है और हमारी फैमिली के बीच में तुम ऐसे सड़क छाप को उठा के ले आई। अगर 2 मिनट में तू मेरे घर से नहीं गया तो तुझे ना यहाँ की पुलिस को कह के जेल में डलवा दूंगा। नहीं सर, अभी निकल यहाँ से। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो तुझे क्या ही बोलूं मैं। और हाँ नेहा, तुमने जो मुझे धोखा दिया ना, उसकी सजा तो बहुत बड़ी होनी चाहिए। तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं मैं, तुम मुझे भी धोखा दे रही थी और मेरी बहन पे भी टॉर्चर कर रही थी। हाँ तो और क्या करती मैं, मैं भी औरत हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र है ही नहीं यार। महीनों महीनों बॉर्डर पे चले जाते हो। देखो और रही बात इस बहन की, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने घर में। अरे इतनी बदतमीज अभी भी देखो, तुमने इनके साथ इतना गलत किया, इतना बुरा किया, फिर भी ये कह रही है कि छोड़ दीजिए, और तुम इन्हें कह रही हो कि हाथ दूर रखिए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मेरी बहन ना तुमसे बहुत प्यार करती है, और तुम्हें पता है हमारी शादी की वजह भी यही थी, इन्होंने ही तुम्हें सबसे पहले पसंद किया था, उसके बाद जाके मैंने पसंद किया था, और तुम इन पे टॉर्चर कर रही हो। नेहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा पति है फिर भी तुम किसी बाहर के इंसान को लाके हमारे घर में बिठा रही हो और मेरी बहन से काम करवा रही हो। तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी मैंने अपनी बहन की, कि मेरी बहन को हमेशा खुश रखना। अरे मेरी फैमिली में मेरा है ही कौन, लेकिन तुमने बहुत गलत किया नेहा, मेरी बहन के साथ ये सब करके मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगी। सॉरी, आजकल कभी नहीं करूंगी। सॉरी से क्या होता है, सॉरी तो मेरी बहन ने भी कई बार बोला ना तुम्हारे सामने, लेकिन तुम उससे काम करवाती रही, उस पर जुल्म करती रही। सॉरी से ना रिश्ते ठीक नहीं होते, ये सही है तुम्हारा, कुछ भी गलत कर दो, किसी के साथ भी सो लो और फिर सॉरी बोल दो। वो तुम्हारी गोद में लेटा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम सोचो अगर तुमने मुझे ऐसे देखा होता तुम्हें बुरा लगता ना, तुम्हें शायद नहीं लगता क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। एक आस थी मुझ में कि मैं घर जाऊंगा, मेरी बीवी मेरी बहन मेरा स्वागत करेगी, लेकिन तुमने मेरा स्वागत तो बहुत धूमधाम से किया, किसी तीसरे लड़के को अपनी गोद में बिठा के। बिल्कुल सही कहा तुमने, आज के बाद तुम कभी ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी नहीं। उस लड़के को जैसे मैंने घर से निकाला ना, वैसे मैं तुम्हें भी अपने घर से निकाल दूंगा। आज छोड़ो मेरा, इतना आलीशान घर, इतना आलीशान सोफा, ये सब मेरी बदौलत है। अरे झुग्गियों में रहती थी तुम, तुम्हें झुग्गियों से उठा के आज महल में ले आया, लेकिन तुम्हारी झुग्गियों वाली हरकतें नहीं गई, तुम जैसे पहले थी वैसे अभी भी हो। कितना कुछ गलत बोलते हैं लोग तुम्हारे बारे में मोहल्ले में, लेकिन सबसे लड़ जाता हूँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था। आज तुमने वो भरोसा तोड़ दिया, मेरी बहन पे अत्याचार करके और मुझे धोखा दे के। निकलो यहाँ से, टीचिंग लास्ट चांस दो। तुम तो समझाओ, देखो मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझ रहे हो। आई एम सो सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैं माफी मांग तो रही हूँ। भैया एक चांस दे दीजिए बहन, अभी भी तुम कह रही हो कि इसे चांस दे देना, इसे ना चांस नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये इस लायक है ही नहीं। अरे आप पे इसने अत्याचार किए, आपसे घर का काम करवाया और मुझे बताने से भी मना करा, तुमने बहुत गलत किया नेहा। अगर तुम मेरे नजरों के सामने से अभी के अभी नहीं गई ना, तो मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाएगा। अब तुम्हें पता है ना मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरे ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, मुझे ना अपने निकल सकती हो तुम यहाँ से, जल्दी निकलो निकलो। हाँ बहन, आपको ना कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे ऐसे लोगों की सुनने की, ऐसे ऐसे लोगों का जुल्म सहने की। अरे आपकी ना उतनी वैल्यू है इस घर में जितनी मेरी है, इस घर की मालकिन हो आप, और नौकरों की तरह काम कर रही थी, वो भी किसी तीसरे के कहने पे। आपने ही कहा था ना कि लड़की बहुत अच्छी है इससे शादी कर लो, मैंने आपके कहने पे इससे शादी की, लेकिन आज ये आपके साथ इतना गलत कर रही थी, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। भाई मुझे नहीं पता था ये ऐसी निकलेगी और ये ऐसा करेगी, और मैं आपको कुछ बोलती उसमें वो मुझे टॉर्चर करती थी। कोई बात नहीं बहन, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आज देख लिया, आगे से ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया, और आज के बाद ना उसे अपने घर के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। मैं जल्दी से जल्दी ना किसी मेड का पता करता हूँ, यहाँ पर मेड लगवाता हूँ, आप इस घर में रानी की तरह रहेंगे, क्योंकि जितना ये घर मेरा है ना उतना ही आपका भी है। आप एक गिलास पानी ले लीजिए। ठीक है बैठो, मैं लाती हूँ।